तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ। और आप देख रहे हैं बॉली किंग। आज हम बात करने वाले हैं डंकी वी एस सलार के कलेक्शन के बारे में। बात करेंगे डंकी मूवी का 26वें दिन मंडे का, सलार मूवी का 25वें दिन मंडे का। डंकी मूवी ने सलार मूवी को पीछे कैसे कर दिया दोस्तों, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। सलार मूवी ने तमिल, तेलुगु, हिंदी में कितना कितना कलेक्शन करा, इसका टोटल वर्ल्ड कलेक्शन कितना हो चुका दोस्तों। बाकी इनकी ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे और 26वें 27वें दिन के दोस्तों कलेक्शन प्रोडक्शन की बात करेंगे। सारी अपडेट आपको देने वाला। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो पता है कि भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो डंकी मूवी ने एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो अब बात करते हैं भाई डंकी के कलेक्शन के बारे में। भाई डंकी मूवी का है दोस्तों यहाँ पर 26वें दिन, और सलार मूवी का दोस्तों 25वें दिन है मंडे का। सबसे पहले हम इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे भाई। 7.48%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 20.60%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 21.42%, नाइट ऑक्यूपेंसी 17.44%। इसी के हिसाब से डंकी मूवी के जो 26वें दिन की जो यानी कि मंडे के दिन एडवांस बुकिंग हुई थी भाई, 8 लाख रुपये की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। ने जो कलेक्शन करा भाई 46 लाख रुपये ने कलेक्शन कर लिया है दोस्तों। इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 224 करोड़ 78 लाख रुपये। ग्रोसर की बात करें 278 करोड़ 75 लाख रुपये कमा चुकी है। ओवरसीज के अंदर 175 करोड़ 25 लाख रुपए कमा चुकी है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 455 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है दोस्तों भाई साहब डंकी मूवी। और बात करते हैं भाई सलार मूवी की। सलार मूवी का है दोस्तों 25वें दिन है मंडे का। इसकी हिंदी ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे क्योंकि भाई हम हिंदी में रहते हैं और हिंदी ऑक्यूपेंसी की ही बात करेंगे भाई। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 9.70%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 15.24%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 13.14% और नाइट ऑक्यूपेंसी 17.64%। इसी के हिसाब से इसकी जो 25वें दिन की जो एडवांस बुकिंग हुई थी भाई साहब 3 लाख रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। इसी के ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। 25वें दिन ऑल लैंग्वेज में इनने 55 लाख रुपए कमाए दोस्तों। यहाँ पर हिंदी में इनने 35 लाख रुपए कमाए। टोटल हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका है 151 करोड़ 3 लाख रुपए। तेलुगु में इनने 2 लाख रुपए कमाए दोस्तों, जहाँ का प्रभास हीरो भाई 2 ही लाख रुपए वहाँ से आए। इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है तेलुगु का 217 करोड़ 65 लाख रुपए। तमिल में इनने 20,000 रुपये कमाए, बाकी 19 करोड़ 8 लाख रुपये कमा चुके हैं टोटल तेलुगु तमिल के अंदर। और इंडिया नेट ऑल लैंग्वेज कलेक्शन हो चुका है तो सारी भाषाओं में मिलाकर, सारे दिन मिलाकर 404 करोड़ 45 लाख। इंडियन ग्रोसर की बात करें 470 करोड़ 65 लाख रुपए कमा चुके हैं। ओवर इसके अंदर 133 करोड़ 5 लाख रुपए कमा चुके हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी अब बात करते हैं भाई डंकी मूवी के 27वें दिन की एडवांस बुकिंग कितनी रही। दिन है ट्यूजडे का, तो इस 9 लाख से लेके 10 लाख के बीच में इसकी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट हमारे पास है, जो कि हम बता रहे हैं भाई 100% भाई इतना ही हो सकती है भाई। 9 लाख से लेके 10 लाख के बीच में एडवांस बुकिंग करी है डंकी मूवी ने अपने 27वें दिन। दोस्तों हमारे हिसाब से ये 27वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है, हमारा प्रोडक्शन ये है कि 50 से 60 लाख रुपये 100% कलेक्शन करेगी। बाकी हमारा प्रोडक्शन यही है और आपका प्रोडक्शन क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं भाई सलार मूवी का 26वें दिन की। दोस्तों दिन है ट्यूजडे का, दोस्तों 5 से 6 लाख के बीच में इसकी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, जो दोस्तों जो कि हो रही है भाई 5 से 6 लाख के अराउंड में इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है, जो कलेक्शन कर सकती है दोस्तों 26वें दिन। और हमारा प्रोडक्शन ये है कि भाई 30 से 35 करोड़ के बीच में 100% कलेक्शन करेगी दोस्तों। बाकी हमारा प्रोडक्शन यही है और आपका प्रोडक्शन क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको कुछ कहना हो तो डंकी वी एस सलार के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।